हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 का अंग्रेजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ रेनबो। रेनबो की हिंदी मीनिंग इंद्रधनुष। राइट द राइटर नेम ऑफ रेनबो। रेनबो जो पार्ट है हमारा, उसके राइटर के नाम बताना है क्या होगा। राइट द भोलाज वाइफ नेम, भोला की पत्नी का नाम बताना है। डिड द थक्स सजेस्ट इन देयर प्लान, जिसमें यस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस। अगला बताना है, ये पाँचवा प्रश्न देख लेना है। छठवां जो है, व्हाई डिड नॉट हैव अ बैलेट टिकट, तो विनोद हो जाएगा। गिव द प्लूरल ऑफ मैंगो, मैंगो का मैंगोज हो जाएगा। गिव वन वर्ड, वन हु ट्रेंस अ हॉर्स, तो हॉर्स ट्रेनर हो जाएगा। चेंज द वॉइस, अपनी वॉइस चेंज करना है। गिव द अपोजिट ऑफ वॉइस, वॉइस का अपोजिट बताना है। राइट द नेम ऑफ कलर, कलर के नाम बताना है। वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स, ये बताना है। हु वॉन द बैट, बैट कौन जीता था, ये बताना है। Why is Anita very excited today? ये बताना है। Where do gods and ships sail? Write 3 degree of comparison for these adjectives. तीनों डिग्री बताना है, गुड की, थिन की और बिग की। रीअरेंज करना है, 17 वाले क्वेश्चन में देख लेंगे ये रीअरेंज करना। Dual directive दिए गए हैं, सभी dual directive देख लेना है हमें। और जो अगला क्वेश्चन है, पिक द ऑड वर्ड एंड इनसर्कल इट। ऑड वर्ड पे ये देखेंगे, मैच द टू कॉलम, टू मैच करना है इसमें। ठीक है, इसमें प्रश्न ऐसे लिखना है, किसी एक पे माई पेट एनिमल, बाल सभा या माई स्कूल, तीन दिए गए, तीन पे ऐसे लिखना है जो जिस पे भी आता है। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सभी का ट्रांसलेट करना। अथवा मैं राइट द एनी 10 प्रीपोजिशन, 10 प्रपोजिशन के नाम बताना है, कोई भी प्रपोजिशन हो उनके नाम बताना है लास्ट वाले प्रश्न में।